बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तलाफ राय के साथ मैं हूं फार कादमी। दुनिया मकाफात अमल है, जो बोया है वही काटना पड़ता है। तो हुकूमत की नाकामियों का सफर भी जारी है, एक के बाद एक नाकामी गले पड़ रही है। बातें करोड़ों की और दुकान पकोड़ों की, ना रेलवे चल रही है ना पीआईए चल पाई। अब एफबीआर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। मसला टैक्स चोरी का है या फिर हेरा फेरी का या टैक्स रेवेन्यू में कमी का, लेकिन एफबीआर के चेयरमैन शब्बर जैदी अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। शेर रशीद हो, असद उमर हो, शब्बर जैदी हो या चेयरमैन पीआईए, अदालतों में तलब किए जा चुके हैं। हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं। वज़रा की चीजें निकल रही हैं, वज़ीर आज़म से एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मुदाखलत की शिकायत वो कर रहे हैं जो कल तक ये शिकायत करने वालों को बुरा भला कहते थे। मुसलसल दूसरे साल हदफ के मुकाबले में टैक्स के बढ़ते हुए शॉर्टफॉल पर काबू पाने में नाकामी और मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी आसाबी दबाव का शिकार हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि वो तिब्बी बुनियादों पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रुखसत पर जा चुके हैं या जा रहे हैं। शब्बर जैदी को साबका हुकूमत पर दिल खोलकर टीवी पर बैठकर तनकीद करने और मईशत को ठीक करने के मुफ्त मशवरों की बुनियाद पर हुकूमत ने टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने का एक बड़ा हदफ दे दिया, उन्हें एफबीआर का चेयरमैन लगा दिया और हुकूमत ने आईएमएफ के कहने पर टैक्स वसूली का एक हदफ बड़ा हदफ मुकर्रर कर दिया और हुकूमत पहले साल टैक्स वसूली का हदफ करने में नाकाम रही। इसके बावजूद आईएमएफ को खुश करने के लिए टैक्स वसूली का रेट और बढ़ा दिया गया। उस वक्त भी बेशतर मुआशी माहरीन का यह मानना था कि टैक्स वसूली का हदफ हकीकी नहीं है, मसनू है। हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि उसने बहुत जबरदस्त मुआशी असलाहत कर दी है। मईशत को भी ऐसा इंजेक्शन लगा दिया गया है कि हर तरफ मुआशी खुशहाली फैल चुकी है, इसलिए लोग अब हंसी खुशी टैक्स देंगे और हंसी खुशी ना भी दें, हुकूमत टैक्स की छड़ा बढ़ाकर अहदाफ मुकम्मल कर लेगी। चूंकि एदाद शुमार गैर हकीकी और गैर फितरी थे, इसलिए दबाव का आना फितरी है। इसलिए चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी ने भी अलविदा कह दिया है। चंद हफ्ते पहले वो असाबी दबाव का शिकार हुए तो उन्हें बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारने का मशवरा दिया गया। छुट्टियां गुजार कर वो लौटे लेकिन असाबी दबाव से बाहर ना आ सके। शब्बर जैदी को ताकतवर हलकों की भी जबरदस्त हमायत हासिल है, उन्हें बहुत बड़ा मुआशी माहिर समझा जाता रहा है। हफीज शेख बाकर रजा के बाद शब्बर जैदी की तकर्री भी ताकतवर हलकों की मर्जी से हुई थी। लगता यूं है कि दीगर सिक्कों की तरह ये सिक्का भी खोटा निकल आया है। एक इतला ये भी है, ये कंफर्म नहीं लेकिन इतला है कि शब्बर जैदी साहब ने अपने एक दोस्त को टोबैको इंडस्ट्री से मुतल्लक टैक्स इकट्ठा करने के लिए 23 अरब रुपए का ठेका दिया, लेकिन वो रकम कौमी खजाने का हिस्सा नहीं बन सकी। कौम को अरबों रुपए का चूना लग चुका है। हुकूमत ने रवा माली साल के लिए 5555 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करना है। 6 माह में 2000 अरब रुपए वसूल किए जा सके। इस हिसाब से टैक्स वसूली में 1000 से 1500 अरब का शॉर्टफॉल होने का वाजिया इम्कान है। तो शब्बर जैदी कई रोज से मंदरेआम से गायब थे और आखिरी इतलात के मुताबिक काबीना के इजलास में भी उनसे काफी ले दे की गई है। एफबीआर का महकमा अब गैर यकीनी का शिकार है और कई रोज से एफबीआर में काम बंद है। पिछले 10 रोज से चेयरमैन एफबीआर दफ्तर ही नहीं आए और अब वो तिब्बी बुनियादों पर छुट्टी पर चले गए। तो शब्बर जैदी की अदम दिलचस्पी के बायस एफबीआर में टैक्स वसूली का काम और हदफ दोनों मुतासर हुए। फाइलें चेयरमैन की मेज पर है और चेयरमैन गायब है। अब हुकूमत ने नए चेयरमैन एफबीआर के लिए तलाश शुरू कर दी है। अगला चेयरमैन एफबीआर कौन होगा या हुकूमत की माशी टीम में से कोई एक और उम्मीदवार भी जाएगा, इसका फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा। राम में और भी हम मौजूद शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। ये आप इस खुशफहमी में ना वो रहे ना आप रहे, वो पहले मुझे इतने सवाल करते रहे कि जी ये तरमीम जो हुई है इसमें 50 करोड़ से ऊपर की वो पकड़ी जाएगी, नीचे वालों को नहीं पकड़ा जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं लिखी हुई उसमें, आप जाके पढ़ लें। नंबर वन
कॉन्फ्रेंस सुन ली है, तो उन्होंने जिस जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो आप उसका भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन क्या वाकई दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है? देखें, पहली तो बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने 1.5 साल लगा दिया ये मुकदमा करते करते, लेकिन बड़ी अच्छी बात है फाइनली उनकी गहरत चाबी। 1.5 साल या 6 महीने? 6 महीने। पिछले साल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद मेल ऑन डेली मेल की स्टोरी आई थी। देखें, जो इश्यूज इस वक्त पब्लिक फेस कर रही है, उसके बाद एक ऐसा अमल के जो किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है एक तहरीक का जो है वो सबब बने। देखें, आज से 1 साल पहले शायद ये इशू जो है ये इनकी नाअहलियत का मामला, इनकी हादसे के बाद इस्तीफे की बात नहीं की थी, उनको आप पे पूरा एतमाद और वो चाहते हैं कि आप वजारत में काम जारी रखें, दुरुस्त बात है सर? देखें, ये वजारत मेरी ख्वाहिश पे नहीं मुझे मिली, जो वो देना चाहते थे वो मैं आपकी वजारत चलाना नहीं चाहता था। ठीक है, अब आपने ये सवाल किया तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। और रेलवे के मुझे हालात पहले भी पता थे, लेकिन मुझे इतने हालात बुरे नहीं पता थे जो अब पता लगे हैं। वो मैं उनकी खामोशी में कोई ज्यादा मतलब पिनहा नहीं है, बहुत बड़ा मतलब नहीं, 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 देखे ना, मियाँ साहब की वो भी जमानत में है, मियाँ साहब भी जमानत में है, तो मेरा ख्याल है कि पहले भी जमानत पर थी जब वो मंडी बाउद्दीन फैसलाबाद आपके सियालकोट आई थी। नहीं, वो सियालकोट जब आई थी उस पर केस कोई नहीं था उसका। एग्री नहीं करता। मैं जरा प्राचा साहब की तसल्ली के लिए अपना तजिया दे दूं। जी सर, होगा। आपको ये है, ये मामला इतना सादा नहीं है जनाब। इस महंगाई के 2-3 हिस्से, एक तो सारे बात कर रहे हैं कि जनाब महंगाई है इसलिए कि IMF के साथ आपने ये किया वो किया, ये शरारत है, ये बिल्कुल है। नहीं, वो फिर खाने लिए टाइम दे दो तुसी। और चले साहब, अगली स्टोरी आपके शहर। आप बात नहीं समझे, मैं समझता हूँ कि ये फिर कच्चे फिर बात करें, आगे चले आप। नहीं, आप बताएं, आपके पास खबर है तो दें। नहीं, खबर नहीं, मैं तबसरा कर रहा हूँ, माफ करना। हाँ जी। भाई, यानी अब आप मुझे मुकर्रर कर दे। और कोरोना वायरस से हलाकते बढ़ने लगी। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 49 अफराद को मौत के मुंह में धकेल दिया। रूस ने चीन के साथ अपनी सरहद बंद कर दी है, जबकि पाकिस्तान ने चीन के साथ तजारती सरगर्मियां मुअत्तल करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने कंटेनरों की दरामद रोक दी है। इसके अलावा ये वायरस पूरी दुनिया में तेजी से फैलता जा रहा है। फजाई सफर की वजह से ये वायरस फैलता हुआ अब 16 से 19 ममालिक तक फैल चुका है। अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंडिया समेत कई मुल्क इस वायरस का शिकार हो गए। हलाकतों की तादाद बढ़कर 213 हो गई है। कोरोना वायरस के मुल्क में फैलने के खदशे के सबब पाकिस्तान ने चीन के लिए अपना फजाई ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक तमाम फ्लाइट्स ऑपरेशन की 2 फरवरी तक मुअत्तली का फैसला किया गया है। 2 फरवरी के बाद पाकिस्तान चीन के दरमियान फजाई ऑपरेशन से मुतल्लक दोबारा जायजा लिया जाएगा। महकमा सेहत के मुताबिक चीन से वापस आने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्म इरसलान को हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया, जहां वो 4 दिन तक आइसोलेशन वार्ड में रहेंगे। महकमा सेहत के मुताबिक इरसलान का सैंपल लेकर कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। इस्लामाबाद से टेस्ट नेगेटिव आने की सूरत में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद को आज जापान से कोरोना वायरस की तशखीस के लिए किट्स मिल गई हैं, यानी अब पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तशखीस की जा सकती है। तिब्बी माहिरों के मुताबिक कोरोना वायरस सिर्फ चमगादड़ खाने से ही नहीं लगता, बल्कि जानवरों को होने वाले इन्फेक्शन के जरासीम हवा में फैलने से यह वायरस इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। वैक्सीन ना होने की वजह से इस वायरस से अमवात का खदशा मौजूद है। माहिर अमराज के मुताबिक माजी में इस वायरस की शरह से होने वाली मौत की शरह 20% थी। मशरक वस्ता में कोटों से फैलने वाले कोरोना वायरस की शरह मौत 35% थी, जबकि नए कोरोना वायरस की शरह मौत 5% बताई जाती है। कोरोना वायरस की तशीस के लिए हुकूमत जापान ने 1000 सैंपल की तशीस के लिए किट्स पाकिस्तान को भेज दी है। कौमी इदारा बराए से इस्लामाबाद के लैब डिवीजन इंचार्ज ने बताया कोरोना वायरस की तशीस के लिए भिजवाई गई किट्स उन्हें मौसूल हो जाएंगी। आज पार्लियामेंट के इजलास में भी कोरोना वायरस के हवाले से सवाल उठाया गया और अपोजिशन ने सवाल किया कि क्यों पाकिस्तान
चीन में मुकीम पाकिस्तानी तुलबा को वापस नहीं ला रहा, जबकि पाकिस्तान के हवाले से कल डॉक्टर जफर मिर्जा ने यह मौकफ अख्तियार किया था कि अगर चीन से पाकिस्तानी तुलबा को पाकिस्तान वापस लाया गया तो नेशनल डिजास्टर का खतरा है, जिसका मतलब यह कि पाकिस्तानी हुकूमत यह समझती है कि जो चीन में तुलबा मौजूद है उनका वहीं इलाज होना चाहिए और अगर तशीस होती है तो वही होना चाहिए। तो पाकिस्तान ने फिलहाल किसी भी खतरे के पेश नजर चीन में मुकीम पाकिस्तानियों को वतन वापस ना लाने का फैसला किया है, जबकि इस पर आज कौमी असेंबली में जबरदस्त सवाल उठाए गए और यह मुतालबा किया गया कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के लोग चीन से अपने लोगों का इनखला कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने अपने लोगों को वहां मरने के लिए क्यों छोड़ रखा है। और सबसे पहले बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू की ऑफ द रिकॉर्ड में और उनसे सवाल पूछा गया कि मरियम नवाज क्यों खामोश है, सियासी मामलों के हवाले से उनकी खामोशी पर जो सवाल पूछा गया उसका ख्वाजा आसिफ ने क्या जवाब दिया, वॉच दिस। वो खामोश क्यों है? मेरा ख्याल है कि वो उनकी खामोशी में कोई ज्यादा मतलब पिनहा नहीं है। बहुत बड़ा मतलब नहीं, 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 देखे ना मियाँ साहब की वो भी जमानत में है, मियाँ साहब भी जमानत पे हैं, तो मेरा ख्याल है कि पहले भी जमानत पर थी जब वो मंडी बाउद्दीन फैसलाबाद आपके सियालकोट आई थी। नहीं, सियालकोट जब आई थी उसका केस कोई नहीं था उस वक्त। सर नहीं, वो करके आई थी, जमानत पे आई थी ना? नहीं नहीं, दैट वाज बिफोर द इलेक्शन। सर एक इलेक्शन के बाद भी आपके हल्के में नहीं गई, शायद साथ वाले हल्के में एक हो सकता है कन्वेंशन हुआ था या नहीं, मेरे हल्के में जाए उस वक्त केस कोई नहीं था उनके पास। और उन्होंने बहुत पॉलिटिक्स की, सख्त करेंगी करेंगी वो जरूर करेंगी। ऐसा होता है कि जमानत के बाद बाहर आती है मियां साहब और उनकी जमानत होती है खामोशी होती है, मियां साहब दोबारा अंदर जाते हैं दोबारा रोला पड़ जाता है, फिर मियां साहब की जमानत होती है उनकी होती है फिर खामोशी। पॉज, इस कोई परमानेंट खामोशी वाली बात नहीं है, इट्स ए पॉज जिसकी जिसकी मेरा ख्याल है कि जरूरत थी इस वक्त, ताकि मियाँ साहब की जो सेहत के ऊपर फोकस किया जा सके, कंसंट्रेट किया जा सके। डॉक्टर शमसी ने कहा है जी कि 5% चांसेस भी नहीं थे सर्वाइवल के, ये टीवी पे उन्होंने कहा है 5%। जब आपके वालिद की इतनी ज्यादा सेहत प्रिकेरियस हो तो अगर बीच में थोड़ा सा ऑफ ले भी लिया जाए सियासत से तो कोई बड़ी बात नहीं, एज इज ऑन हर साइड सियासत में, आज नहीं कल। देखिए हकीकत यह है कि मरियम नवाज अपनी वालदा की वफात के बाद अपने वालद की बीमारी से सहम गई और वो इस वक्त खुद को सियासत से दूर इसलिए रख रही हैं कि वो अपने वालद के पास बैरून मुल्क जाना चाहती हैं। नवाज शरीफ को अगले हफ्ते दिल के इलाज के लिए हॉस्पिटल दाखिल कराया जा रहा है और इस बात का कभी इम्कान है कि उस वक्त मरियम नवाज उनके पास लंदन में मौजूद होंगी। शरीफ फैमिली के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मरियम नवाज अगले चंद रोज में अदालत की इजाज़त से लंदन जा सकती हैं, क्योंकि मियाँ साहब के दिल का ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल है और इस हालत में उनकी फैमिली का, उनकी बेटी का उनके पास होना ज़रूरी है, तो इसी की बुनियाद पर उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल सकती है। मरियम नवाज इसलिए खामोश नहीं है कि उन्हें इस बात का खतरा है कि उनकी जमानत मनसूख हो सकती है या उन्हें दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। उनकी खामोशी सरासर अपने वालद की बीमारी के हवाले से है। तो मियाँ साहब की बीमारी बहुत संजीदा नोयत की है और जिस तरह ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं वो हकीकत है कि नवाज शरीफ तकरीबन मौत के मुँह से वापस आए हैं और ये बात उनके पाकिस्तान में मौजूद उन डॉक्टरों ने कही है जो हुकूमत की तरफ से उनके इलाज के लिए अपॉइंट किए गए थे। तो इन हालात में जब एक शख्स मौत के मुंह से वापस आया हो तो सियासी मामलात गैर आम हो जाते हैं। कहते हैं जान है तो जहान है, तो असल मामला मियाँ साहब की सेहत का है और वो इस वक्त वो खुद भी सियासी सरगर्मियों से खुद को डिस्टेंस किए हुए हैं और मरियम इस हवाले से ज़हनी दबाव का शिकार है। अब जिस खातून ने, जिस बेटी ने कैद में रहकर अपनी वालदा खो दी हो वो अपने बाप की बीमारी से डरेगी नहीं, सहमेगी नहीं, तो और क्या करेगी। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम बड़ा मसला है कि हुकूमत के इत्तेहादी काफ लीग वाले हुए हैं नाराज और इस बार नाराजगी क्यों हुई है। आज चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर में सीनियर साफियों से मुलाकात की, गिले शिकवे किए। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और
बात कर रहे हैं शेख रशीद। नुक्ता नजर में एक खसूसी इंटरव्यू दिया रेलवे के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से इतराजात किए, शेख साहब को अदालत बुलाया, उसके बाद शेख साहब ने वक्त लिया है और अब शेख रशीद साहब अपनी वजारत के हवाले से और मजमू सूरत हाल के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं नुक्ता नजर में। वॉच शेख रशीद का नुक्ता नजर। हादसे के बाद इस्तीफे की बात नहीं की थी, उनको आप पे पूरा एतमाद और वो चाहते हैं कि आप वजारत में काम जारी रखें, दुरुस्त बात है सर? देखें ये वजारत मेरी ख्वाहिश पे नहीं मुझे मिली, जो वो देना चाहते थे वो मैं आपकी वजारत चलाना नहीं चाहता था। ठीक है, अब आपने ये सवाल किया तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। और रेलवे के मुझे हालात पहले भी पता थे लेकिन मुझे इतने हालात बुरे नहीं पता थे जो अब पता लगे हैं, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं ML1 का फाइनल करके सियासत को खैरबाद कह जाऊँ। शेख साहब अब बताइए ML1 में क्या चीज आड़े आ रही है? असद उमर साहब का भी आपने नाम लिया, उनको भी बुलाया गया है, 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है, बिजनेस प्लान आपने तैयार कर लिया है, करना है, उसके क्या खिदोखाल हैं, कुछ आगाह कीजिए। अब उस नुक्ते पे आ जाते हैं जहां पे आप बात करना चाह रहे हैं। देखें ML1 1880 किलोमीटर एक ट्रैक है जो कराची से पिशावर तक डबल ट्रैक बनेगा 160 की स्पीड का। हम कहते ही हैं कि ये ट्रैक 120 की स्पीड का, ये 80 से ज्यादा नहीं चलता, कहीं कहीं 100 चलता है, वरना हर जगह काशन लगे हुए हैं। उसके बाद पिंडी कराची 8 घंटे का सफर होगा, सारी बॉन्डेड सारी रेलवे होगी, सारा कुछ नया होगा और ये 5 साल के अंदर मुकम्मल होगा। वरना इस सिग्नल सिस्टम पे देखें ना, सिग्नल ही डाउन नहीं होता। इस ट्रैक पे जो 1861 का है, 120 पे ट्रेन चलानी भी खुदकशी के मुतरादिफ है, फिर भी 80-90 पे चलती है। जब नया ट्रैक होगा, नया स्ट्रक्चर होगा, नया सारा सिस्टम होगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये ब्रॉडवे को ही बना रहे हैं ताकि नए इलाके ना लेने पड़े और फटोफट काम शुरू किया जाए इस पे। और सी पैक जो था ही ML1, 2, 3 और 4 के लिए, लेकिन नवाज शरीफ खानदान स्मार्ट था, वो सड़कों ब्रिजों और ऑरेंज लाइनों पे ले गए और जिसकी वजह से सड़कें आम दुनिया में यूरोप अंडर पासिस गिन लें और ब्रिजेस गिन लें। ये यूरोप क्या है जी, ये सड़क है, ये बजरी पड़ी है, ये सीमेंट पड़ा है, ये रेत पड़ी है, एक तार कोल इंपोर्टेड आती है और सड़क बन जाती है जिसके लिए हमने असद उमर साहब आपसे ताबून नहीं कर रहे सिलसिले में, क्या रुपया लगा चुके कर रहे हैं, लेकिन वो लोग डर रहे हैं, नीचे ब्यूरोक्रेट जो हैं वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के दौर में ये सारे काम ठीक थे, हमारा वक्त आया तो उनको इस पे सांप सूंघा बैठा के पता नहीं क्या हो जाएगा। शेख साहब क्या डर है, हो जाएगा ये नैब का डर है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं, हाँ नैब का डर है। तो नैब के में तो तरमीमी ऑर्डिनेंस लेके आ रही है सरकार और बार बार इमरान खान साहब जो कुछ मर्जी हो जाए हमारे साथ ब्यूरोक्रेसी ने तावन नहीं किया। हुकूमत कहती है हमें हालात का नहीं पता था कि इतने खराब होंगे, वजीर कहते हैं कि महकमों के हालात का नहीं पता था, तो फिर पता क्या था? किसी भी सियासी जमात की इससे बड़ी नालायकी और क्या हो सकती है कि आप इख्तदार में आने की जद्दोजहद कर रहे हो और ये कि हम 22 साल से इख्तदार में आने के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको हालात का अंदाजा ही ना हो। तो कभी कहते हैं कि अदलिया करप्शन नहीं पकड़ने देती, करप्ट लोगों को बाहर जाने की इजाजत दे देती है, कभी नालायकियों नाकामियों का मुद्दा नैब पर डाल देते हैं कि नैब की वजह से ताजर भाग गए, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती, ब्यूरोक्रेसी डर गई। जब उन्हें पुराने और घाक किस्म की सियासत, मैं घाक इसलिए कहूंगा कि जो तजर्बाकार हैं, जो समझते हैं, इस मुल्क का दर्द भी रखते हैं, जिन्होंने सियासत की है, जब वो लोग ये समझाते थे कि नैब और हुकूमत एक साथ नहीं चल सकते तो भी उन्हें समझ नहीं आती थी। असल मसला लीडरशिप का होता है, लीडरशिप लोगों से काम लेती है और लीडरशिप का काम ही लोगों से उनकी पोटेंशियल के मुताबिक यानी पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करना होता है। अगर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही तो इसमें कसूर ब्यूरोक्रेसी का नहीं है, लीडरशिप का है। नवाज शरीफ लीडर था या लीडर है, काम लेना जानता था, मुल्क चलाना जानता है। नवाज शरीफ की पॉलिसियों पर हम सारे क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें तनकीद करते हैं, उनकी बैशिंग करते रहे हैं, लेकिन उनकी गवर्नेंस पर, गिरफ्त पर कोई दो राय नहीं है। पंजाब में जिस तरह शहबाज शरीफ की गिरफ्त थी, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट में नवाज शरीफ की गिरफ्त थी और लगता था कि हुकूमत चल रही है, क्या आज कोई इस तरह की हुकूमत चलती हुई नजर आती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नवाज शरीफ ने तो इसी ब्यूरोक्रेसी से काम ले लिया, कारोबारी तबके और सरमायादारों को, ताजरों को, ट्रेडर्स को, सबको अपने साथ रखा, मुल्क में मोशियत का पहिया चलता रहा, किसी को खौफजदा नहीं होने दिया
और उनके दौर में लोड शेडिंग थी पीपल पार्टी के दौर में, तो अपने दौर में लोड शेडिंग के जिनको काबू किया, गरीबों के लिए महंगाई का जिन काबू में रखा, तो असल सवाल और असल मसला लीडरशिप और काबिलियत का है। आगे बढ़ते हैं और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब मुल्की हालात का जायजा ले रहे हैं और महंगाई की सूरत हाल पे अपना बेलाग तजिया दे रहे हैं। वॉच जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब। मैं जरा प्राचा साहब की तसल्ली के लिए अपना तजिया दे दूं। जी सर, होगा। आपको ये है, ये मामला इतना सादा नहीं है जनाब। इस महंगाई के दो तीन हिस्से, एक तो सारे बात कर रहे हैं कि जनाब महंगाई है इसलिए कि IMF के साथ आपने ये किया वो किया, ये शरायत है, ये बिल्कुल है, लेकिन इस शरायत की आड़ में भी महंगाई करने का एक मसनूई मसला भी है। मुल्क में गंदम बहुत थी, आटा भी था, लेकिन हुकूमत किसान से महंगी खरीद के सस्ती बेच रही है। मिलों वालों ने उसको होल्डिंग की एक साजिश के तहत कि जनाब ये काम करना और पैसे कमाए। मैं एक सवाल करता हूं, प्राचा साहब बड़ा अच्छा इसका जवाब दे सकते हैं। पूरी दुनिया में रमजान के महीने में आप देखिए मुसलमानों के लिए लग जाती है सेल्स, आधी कीमत हो जाती है चीजों की। पाकिस्तान में खुदा का खौफ जिस दिन ज्यादा होता है उस दिन दुगनी हो जाती है। मेरा आपसे एक सवाल है जनरल साहब, इलाज है ये, मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है, मेरी बात सुने सर, मेरा सवाल आपसे है, सुनिए जनरल साहब मेरी बात तो सुने, आपने जवाब देना है, सुन तो ले सर, सुन तो ले, आपने जवाब, आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो आपने कहा कि जी साजिश के तहत ये होगा जखीरा दोजी, ओ भाई ये गवर्नमेंट कहां सो रही है, टैक्स ले रही है हमसे, पुलिसिंग के अंडर है, सारी इंतजामिया के अंडर है, इनसे सवाल होगा। मैं उधर आ रहा हूं। हाँ जी, ये गवर्नमेंट अकेला है लिए जखीरा दोजी हुई। आपको आज रोना आ रहा है ना, हमें हर दफा रोना आता है, आज रोना आ रहा है, पिछले दौर में जब कहते थे रोए उसमें भी रोए हम, पिछले दौर में शेर आटा खा गया कि आपने हम रोए उसमें भी, किधर था आटा शेर सर, हमने उसमें भी कहा शेर आटा खा गया, माफिया थी। जनरल साहब मेरी बात सुने, जनरल साहब बड़ी माजरत के साथ मेरी बात सुने, दौर में सर हर दौर में इसका मतलब गलत क्या देता है, तो इमरान खान भी गलत है, आप यही कह रहे हैं ना, तो बट ठीक है खत्म होगी बात, ये भी गलत है, इनके दौर में ही माफिया है, इनके दौर में जखीरांदोजी है, इनके दौर में आटा खा लिया लोगों ने। जी बताएं, मेरा तजिया पूरा सुना नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहां इखलाकी मसला भी है, मनी मेकिंग के भी है, प्रॉफिटेरिंग भी है, लेकिन खराबी यहां पे है जो पिछली गवर्नमेंट भी और आज भी कर रही है, वो ये है कि आपके पास इन चीजों को चेक करने का कोई मैकेनिज्म, कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लान नहीं है। लोग ये दुख बर्दाश्त कर लें अगर उनको पता हो कि ये 6 महीने बाद ठीक हो जाएगा, लोग महंगाई बर्दाश्त कर लें अगर उनको पता हो कि साल बाद ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने मैकेनिज्म को क्रिएट नहीं किया, हमें टनल में अंधेरा। देखिए वज़ीर-ए-आज़म ईमानदार हो, इदारों से उलझता ना हो, उसके सर में सिविल बालादस्ती का खन्नास ना भरा हो, तो फिर किसी हकमत अमली या पॉलिसी की क्या जरूरत है, फिर तो सब कुछ ठीक होना चाहिए। लेकिन अभी से टनल में अंधेरा नजर आना शुरू हो गया है, यानी वो तमाम लोग और तबकात जिनकी ख्वाहिश थी कि खान साहब इख्तदार में आएंगे और दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, नवाज शरीफ और कप टोले से हुकूमत छीन लेंगे तो नीचे से तेल के कुएं और हीरों के जहायर निकल आएंगे, वो भी अब इस बात के कायल हो रहे हैं कि सब दावे ऐलानात नारे महज ज़बानी कलामी थे या हैं, कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। उन्हें भी आज समझ आ रही है कि हुकूमतें कौन से माफियाज के सामने बेबस होती हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत का मसला नहीं है, दुनिया भर में माफियाज होते हैं, और जहां हुकूमत चल रही होती है दूसरे माफिया भी काम, माफिया के पास पैसा बड़ा होता है, माफिया इतना ताकतवर होता है कि हुकूमत बना सकता है, गिरा सकता है। तो हुकूमतें खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जहां कानून इंसाफ कमजोर होता है वहां माफिया पावरफुल होते हैं। एक तरफ आपको माफिया काम ना करने दे, दूसरी तरफ इदारे आपसे नाराज हो जाए, बदगुमानी पैदा करके बैठ जाए, तो फिर हुकूमतें बिल्कुल नहीं चल सकती। तो नवाज शरीफ तो ये सब कुछ भुगत चुके हैं, अब अगर महंगाई की वजह से या मौशत खराब होने की वजह से ताकतवर हल्के फिर से बदगुमान हुए तो मेरा गुमान ये है कि तारीख खुद को दोहराने से नहीं रह सकेगी। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद खबरें आपसे शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे काफली का अब गिला शिकवा क्या है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ़ राय में इफ्तिखार काज़मी। एक बार फिर हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत से परेशान है और खान साहब ने एक नई कमेटी बना दी है
काफ लीग से मुजाकरात के लिए गवर्नर पंजाब उसके सरबराह होंगे, उस पर पहले देखते हैं कि हमारे दोस्त रिपोर्टर, उन्होंने इस पर तबसरा तजिया किया है कि क्या पंजाब में जो नई कमेटी बनाई गई है वो क्यों बनाई गई है और उस वो कमेटी कितनी इफेक्टिव होगी, और काफ लीग के गिले शिकवे भी आपको दिखाएंगे। पहले ज़रा सुनते हैं कि रिपोर्टर्स क्या कहते हैं, यानी खुद हुकूमत के हमायती मीडिया इस तब्दीली के ऊपर और नई कमेटी बनाने के ऊपर क्या कह रहा है। वॉच दिस। और ये देखो वंडरफुल पॉलिटिशियन इज गुड ह्यूमन बीइंग, सर्वर की बात है, लेकिन वो अभी यूरोपीय यूनियन में भी आपने देखा कि अभी इंडिया ने उसको मुखर तो कराई है वोटिंग, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है कि 600 से ज्यादा अरकान जो है उन्होंने रेजोल्यूशन पेश किया और उस पर सर्वर साहब की कॉन्ट्रीब्यूशन, मैंने कल भी कहा, लेकिन चौधरी सर्वर जो है और शफकत महमूद और उस्मान बुजदार ये क्या बेचते हैं काफ लीग से, इन्होंने क्या मुजाकरात करने हैं, मेरी समझ से बाहर है। वो चौधरी सरवर साहब के तो साथ उनके पास वाजबी ताल्लुकात है, शफकत महमूद का भी उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, हाँ उस्मान बुजदार साहब जो है उनके साथ उनकी काफी मीनिंगफुल रिलेशनशिप है, वर्किंग है उनके अंदर, तो साहब फिर तो आप उनके साथ है, फिर तो आप इमरान खान साहब की विजडम को दाद दें ना कि चौधरी सरवर साहब को उन्होंने इस कमेटी का कन्वीनर बनाया है, यानी कि वजीर आला पंजाब से ऊपर इस कमेटी के कन्वीनर चौधरी सरवर साहब होंगे गवर्नर पंजाब, और इसके मेंबर जो हैं वो उस्मान बुजदार साहब हैं और शफकत महमूद साहब हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि वजीर आज़म इमरान खान ने कितनी अहमियत दी है कि जनाब बात करें इनसे आके। नहीं वो फिर खाने लिए टाइम दे दो तुसी और चलें। जैसा अगली स्टोरी आपके शहर, आप बात नहीं समझे, मैं समझता हूँ कि ये फिर चले फिर बात करें आगे चले आप। नहीं आप बताएं, आपके पास खबर है तो दें। नहीं खबर नहीं, मैं तबसरा कर रहा हूँ, माफ करना। हाँ जी भाई, यानी अब आप मुझे मुकर्रर कर दे कि जी रिपोर्टर्स की तरफ से आप परवेज लाई और शुजात हुसैन से, भाई उनसे मैं 2 साल से मुलाकात ही नहीं मेरी, तो अब मैं उनसे क्या मुजाकरत करूंगा, वो कोई आप कर सकते हैं जिन्होंने हर वक्त भाईचारा है ताल्लुक रखा है, या मेरा मतलब है कि कोई मुझे अपनी शादी पर ना बुलाए तो आप मुझे कहें कि जी मैं आप उनकी उनके पास जाऊं जी, तो वो बात मुझे समझ नहीं लगी। सर्वर क्या करेंगे उस कमेटी में, ये कोई गोंगला तो मिट्टी लाउन द प्रोग्राम है। नहीं, गोंगला तो मिट्टी नहीं, गुजार अगर हेड होते वो तो मीनिंगफुल होती। लगता ही है कि खान साहब ने अपने इत्तेहादियों के मामले पर भी एक और यू टर्न ले लिया है। पंजाब में मुस्लिम लीग काफ से मामला तय करने के लिए पहले कमेटी बनाई, मामला तय हुए और अब नई कमेटी बना दी है, तो चौधरी बरादरान भी खान साहब के इस यू टर्न से परेशान हो गए, क्योंकि चंद रोज पहले ही एक मुजाकराती टीम से मुस्लिम लीग काफ के बड़े तवील कई रोज मुजाकरात हुए और काफ लीग ने अपने मुतालबा पूरे करने के लिए उस कमेटी को एक हफ्ते की डेडलाइन दी, मुतालबात की फहरिस्त थमाई और डेडलाइन दे दी। अब डेडलाइन तो गुजर चुकी है लेकिन मुतालबा कोई पूरा नहीं हुआ, उसके बरक्स एक और कमेटी बना दी गई, यानी कमेटी के ऊपर भी एक कमेटी बना दी गई। अब सवाल यह है कि जिस कमेटी ने पहले मुजाकरात किए, मुतालबा पूरे करने के लिए एक हफ्ते की डेडलाइन मंजूर की, उसे क्यों बदल दिया गया। हुकूमत ने चौधरी बरादरान से मुजाकरात के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें गवर्नर पंजाब को सरबराह लगाया गया, तो मुस्लिम लीग काफ ने आज इस हवाले से अखबारात के मुदीरान को बुलाकर अपने गिले शिकवे भी किए, जबकि मेरे दोस्तों का शिकवा यह है कि उस्मान बुजदार को कमेटी का सरबराह लगाना चाहिए था, क्योंकि वजीर आला पंजाब को काफ लीग से मुजाकरात करने चाहिए थे, तो ये टेक्निकली वैसे ही गलत है, क्योंकि ये मुस्लिम लीग काफ एक बड़ी सियासी जमात है, तो सियासी जमात के दूसरी सियासी जमात के कोर लोगों से, यानी जो कोर कमेटी में लोग होते हैं, जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, तो गवर्नर पंजाब सर्वर चौधरी सर्वर और परवेज खटक या शफकत महमूद ये कोर कमेटी का हिस्सा है पीटीआई की, तो उस्मान बुजदार तो खुद एक फरीक है, तो इत्तेहादियों के असल शिकवे उस्मान बुजदार से नहीं है या पंजाब गवर्नमेंट से नहीं है, तो सबसे ज्यादा शिकवा तो खास साहब से है, तो मेरा ख्याल है कि गवर्नर पंजाब को लगाकर ठीक ही किया गया, लेकिन जिस तरह मुस्लिम लीग काफ बार बार हुकूमत को इत्तेहादी होने का यकीन दिला रही है, उस तरह खान साहब भी मुस्लिम लीग काफ को बार बार ये एहसास दिला रहे हैं कि उन्हें शायद इत्तेहादियों की इतनी जरूरत नहीं है, तो
तो आज चौधरी प्रवीण लाई ने भी इस हवाले से अपने ख्याल का इजहार किया, देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जो नई कमेटी बनाई है, इससे पहले हमारा एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट है, बुजदार साहब ने किया, और फिर उसके बाद एक और कमेटी बनी जो प्रवेश खटक साहब की सरबराही में जहांगीर तरीन साहब थे। अब ये पता चला है कि एक नई कमेटी आ गई है, और वो कमेटी जो है मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि एक बुल्ले शाह का शेर है, ना अगली तो ना पिछली तो मैं सदके जावा विचली तो। हमें तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। इत्तेहादी को अपना समझ के चलना जो है वो ही सूदमंद होता है, और इत्तेहादियों को सौकन के तौर पर ट्रीट नहीं करना चाहिए। कोई अगर नुकसान होता है खुदा नखास्ता हुकूमत को, एज इत्तेहादी हमें भी नुकसान होगा, तो इसका ये नहीं सोचना चाहिए कि हर वक्त इत्तेहादियों के ऊपर शक की नजर से देखा जाए। इत्तेहादियों को अपना समझना चाहिए। ये सूरत हाल मुस्लिम लीग काफ गिले शिकवे कर रही है, और वो कहती है जी एक एग्रीमेंट हमने उस्मान बाजार से किया वो पूरा नहीं हुआ, फिर एक कमेटी बनी उससे एग्रीमेंट किया मुतालबा दिए वो पूरा नहीं हुआ, एक कमेटी और बना दिया। तो अब वो कहते हैं कि मैं सदके जावा, वो कहते हैं ना अगली तू ना पिछली तू, मैं सदके जावा विचली तू। पता नहीं विचली से उनकी क्या मुराद है, लेकिन लगता यूँ है कि जब से चौधरी परवेज़ लाई ने मौलाना फजल रहमान का धरना ख़त्म कराया है, कराया तो उन्होंने खास साहब कहने पर था, लेकिन मौलाना फजल रहमान उस धरने के बाद जो जेस्चर दिया उससे शायद इमरान खान या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है उनकी जमात के लोग उनसे बदगुमान है, और ये बदगुमानी हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। बाहर ये कमेटी बना दी गई है, लेकिन जो क्राइन है यानी जो इशारे हैं वो ये बता रहे हैं कि दोनों जमातों में वक्त गुजरने के साथ साथ फासले बढ़ते जा रहे हैं। अब उस धरने की बात करते हैं जिस धरने की वजह से परवेज अलाई से खान साहब बदगुमान है। इसी पे बात की राणा सलाना ने कैपिटल टॉक में, मौलाना फजल रहमान ने जो लॉन्ग मार्च किया था, धरना दिया था, तो मुस्लिम लीग नून जो कि इस धरने की अहम हिस्सेदार थी वो इस हवाले से क्या कहती है, वॉच दिस। देखें जो इश्यूज इस वक्त पब्लिक फेस कर रही है उसके बाद एक ऐसा अमल के जो किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है एक तहरीक का जो है वो सबब बने। देखें आज से एक साल पहले शायद ये इशू जो है ये इनकी नाअहलियत का मामला, इनकी इल परफॉर्मेंस का मामला, ये पहले 100 दिन में क्लियर हो गया था जब इन्होंने कहा था कि 100 दिन बाद हम आपको बताएंगे कि हमने क्या करना है। उसके बाद फिर 3 माह में क्लियर हो गया था, फिर 6 माह में हो गया था। लेकिन एक ऐसा वक्त के जिसके ऊपर किसी भी हुकूमत के खिलाफ के पास कोई ऐसा जवाब ना हो कि जी अभी तो मुझे जी तीन माह हुए हैं, अभी तो हमें 6 माह हुए हैं, अभी तो हमें टाइम नहीं दिया गया, अभी तो हमें वक्त नहीं मिला, तो अब 1.5 साल जो है या 1 साल जो है वो सफिशेंट पीरियड है। उसके बाद एक तहरीक की शुरुआत जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने की थी। मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त फैसला था, लेकिन उस फैसले के ऊपर पूरी अपोजिशन जो है वो पूरी तरह से ऑन बोर्ड नहीं हुई। इसमें बिल्कुल मैं ऑफ द व्यू हूँ कि ये होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी और PMLN ने जो है वो पहले तो मौलाना साहब ने बड़ी ज़िद की 31 अक्टूबर की, पता नहीं 31 अक्टूबर में क्या था, उनको कहा गया PMLN की तरफ से कि मौलाना आप थोड़ा सा नवंबर दिसंबर में आ जाएं। पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू था कि मार्च 2020 में चले जाएं। मैं समझता हूँ कि शायद उसको थोड़ा आगे ले आना बेहतर था, लेकिन मौलाना साहब ने जब ज़िद की तो उसके बाद फिर दोनों पार्टी जो हैं वो ऑन बोर्ड हुई। लेकिन दोनों पार्टी बाद में अकेले रह गए। और मैं समझता हूं कि ये अच्छा नहीं हुआ। इसमें इस सारी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जो है वो दोबारा अपोजिशन को बैठना चाहिए, और जब भी और जिस मसले पर भी जो है वो अपोजिशन ने अगर जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उस अमल का आगाज करना है तो वो मुत्तफिका तौर पर। देखिए अगर कोई ये समझता है कि मौलाना फजल रहमान के धरने को मुस्लिम लीग नून की या नवाज शरीफ की हमायत नहीं थी, और मुस्लिम लीग नून इसलिए धरने का हिस्सा नहीं बनी कि कहीं धरना कामयाब ना हो जाए, तो वो शदीद किस्म की गलत फहमी में मुबतला है। हकीकत ये है कि
कि मुस्लिम लीग नून की क्यादत ने नवाज शरीफ की ख्वाहिश के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान का साथ नहीं दिया, बल्कि शशो पंच का शिकार रही। इसके बरक्स मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी दोनों बड़ी सियासी जमातों ने मेरे नज़दीक एक तीर से दो शिकार किए। मौलाना फजलुर रहमान का धरना सिर्फ हां साहब की हुकूमत के खिलाफ नहीं था, बल्कि एंटी स्टेब्लिशमेंट भी था। मौलाना मुख्तदर हलकों से या खासकर स्टेब्लिशमेंट से सियासी अमल में मुदाखलत ना करने का खुलकर मुतालबा कर रहे थे, इसलिए दोनों जमातें पीछे हट गईं और स्टेब्लिशमेंट की मुखालफत की बजाय मौलाना का साथ ना देकर स्टेब्लिशमेंट को खुश करने की कोशिश की गई। इसी दौरान नवाज शरीफ भी मार पड़ गए, जिसका लीगी क्यादत ने यानी नवाज शरीफ के बाद जो क्यादत थी उन्होंने फायदा उठाया और वो मुफामती क्यादत थी, उन्होंने मियां साहब को बाहर जाने पर राजी कर लिया। तो असल मामला ये नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान धरना देने की वजह से अकेले पड़ गए, असल मामला ये कि मौलाना नवाज शरीफ के बीमार होने की वजह से और अकेले पड़ गए। तो असल मामला ये नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान धरना देने की वजह से अकेले पड़ गए थे, असल मामला ये था कि मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ के बीमार होने की वजह से अकेले पड़ गए। और ये भी हकीकत है कि अपोजिशन ने इस मौके से फ़ायदा उठाया, दोनों बड़ी सियासी जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट से अपने फासले कम कर लिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तब्सों तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तलाफ राय से इफ्तिखार कादमी को इजाज़त दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।